नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं राधे की हवेली का। अगर आप खाटू श्याम गए और राधा की हवेली आपने नहीं देखी तो मैं समझता हूं कि आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई। जी हां, ये है राधा की हवेली जो कि बहुत मंजिला इमारत के रूप में है और लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां की मान्यता है कि अगर निर्जला एकादशी को यहां पर कोई मन्नत मांगी जाए तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी आप इस हवेली में दर्शन करने के लिए जाओगे आपको हवेली के अंदर कीर्तन होता दिखाई देगा। लोग मिलजुल करके राधा रानी और कृष्ण भगवान के गीतों को गुनगुनाते हैं और अपने इष्ट देवता के दर्शन को पाते हैं। लोग राधा रानी के कीर्तन में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके पाँव कब थिरकने लग जाते हैं। राधा रानी के इतने भव्य दर्शन पा करके लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और मन्नतें मांगते हैं। राधे की हवेली का दृश्य इतना भव्य और आकर्षक है कि मानो वो आकाश को छू रही हो। इसकी कलाकृति और आर्किटेक्चर को देख करके मन प्रसन्नचित हो जाता है। इतनी सुंदर कलाकारी और उसके साथ साथ यहाँ पर चलता भजन और कीर्तन कानों को बहुत ही आराम और सुकून देने वाला होता है। लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं और खाटू श्याम आने वाले लोग यहाँ पर जरूर आकर के राधे की हवेली के दर्शन करते हैं। राधे की हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर एक हॉल है जिसमें हमेशा कीर्तन चलता रहता है और आने जाने वाले यात्री यहाँ बैठकर के कीर्तन को सुनते हैं। लोग कीर्तन में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको खुद पता नहीं चलता कि कब उनके पांव थिरकने शुरू हो जाते हैं। राधे रानी की हवेली केवल धार्मिक धाम नहीं है बल्कि राधे रानी की हवेली में एक बड़ा रेस्टोरेंट भी चलता है जिसे नंदगांव के नाम से जाना जाता है। इस हवेली के अंदर चलने वाला रेस्टोरेंट इतना भव्य और आकर्षक है कि देखने वाले की आंखें दंग रह जाती है। इसमें सैकड़ों की तादाद में बेडरूम्स हैं जहां पर आने जाने वाली यात्री ठहर सकते हैं। इस हवेली के अंदर जो रेस्टोरेंट है उसका इंटीरियर इतना मस्त है कि बड़े से बड़ा होटल इसके सामने फेल हो जाता है। यहाँ पर अनेक हॉल हैं जहाँ पर पार्टी की जा सकती है। नंदगांव रेस्टोरेंट का इंटीरियर जितना आकर्षक और लाजवाब है उससे कहीं लाजवाब यहाँ पर परोसे जाने वाला खाना है जो इतना स्वादिष्ट और लाजवाब है कि खाने वाला अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाता है। इस रेस्टोरेंट में विशेष रूप से राजस्थानी थाली का अपना आनंद है और लोग राजस्थानी थाली खा करके यहाँ के खाने का खूब लुत्फ़ उठाते हैं। जो लोग उपवास में रहते हैं तो उन लोगों के लिए भी यहाँ खाने पीने की व्यवस्था रहती है और उनको फलाहारी थाली यहाँ पर परोसी जाती है। लोग उसका खूब लुत्फ़ उठाते हैं। यहाँ राजस्थानी थाली और फलाहारी थाली के साथ साथ और दूसरे प्रकार के व्यंजन भी परोसे जाते हैं। यहाँ का छोला भटूरा काफ़ी फेमस है। इस प्रकार से इस हवेली के अंदर चलने वाला रेस्टोरेंट अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। इस वीडियो का यही करता हूं एंड और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से राधे रानी हवेली के बारे में आवश्यक जानकारी मिली होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि यदि आप खाटू श्याम जाएँ तो एक बार राधे की हवेली के दर्शन करके ज़रूर आएँ जहाँ पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन सुनने का आपको अवसर मिलेगा और यहाँ पर आकर के आपका तन मन और आत्मा पवित्र हो जाएगी। और इसी के साथ आपने मेरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे, जय श्री कृष्णा।